शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी फिर आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। कल आपको सारे भावों की जानकारी दी, उम्मीद है कि आपने नोट कर ली होगी और उसे समझ भी लिया होगा। चलिए आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, आज एक बात पहले थोड़ा सा समझा दूँ, फिर आपको कुंडली पे आऊँगा। एक बात समझ लीजिए दर्शकों, सृष्टि में हर जो चीज़ बनी है उसका कहीं कोई ना कोई मालिक ज़रूर होता है। घर है, गाड़ी है, मोबाइल है, घड़ी है, प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ बनी है, ज़मीन है, कोई भी चीज़ होती है उसका एक मालिक ज़रूर होता है। उसी तरह से जितनी हमारी राशियाँ होती हैं उसका भी एक मालिक ज़रूर होता है। आपने अक्सर ये वर्ड कहते सुना होगा, किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो अक्सर ये कहा जाता है, यार देते ग्रह बहुत माड़े चल रहे होने। कभी किसी को ये कहते सुना कि इसकी राशि बहुत बुरी होगी? कभी किसी को ये कहते सुना कि इसका नक्षत्र बिगड़ गया होगा? नहीं, नहीं सुना हमने। क्यों? क्योंकि ग्रह इन सब का मालिक है, चाहे वो राशियां हैं चाहे वो नक्षत्र हैं, ग्रह इन सब से ऊपर माना जाता है, ग्रह इन सब का मालिक है। तो जो हमने घर पड़े थे वैसे ही हमने राशियां लिखी हैं। इसको नोट करने के लिए आप वैसे ही एक कुंडली बना लीजिए, मैं साथ में बोलता जाता हूं और उसे आप नोट करते चले जाइए। सबसे पहला जहां हमने एक नंबर लिखा है, एक नंबर की राशि होती है मेष, इंग्लिश में उसको एरीज कहा जाता है, और एरीज का जो मालिक होता है वो मंगल माना जाता है। एरीज इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में आता है, मेष हिंदी में कहा जाता है, और इन राशि का इनका इसका स्वामी जो कहा जाता है या इसका मालिक जो कहा जाता है वो मंगल देवता बनते हैं। तो आपकी कुंडली में जहां भी एक नंबर पड़ा होगा, जिस घर में भी पड़ा होगा, उसका मालिक मंगल देवता बन जाएगा, क्योंकि एक का मालिक मंगल देवता होता है। सेकंड, दो नंबर राशि को इंग्लिश में टॉरस कहा जाता है, हिंदी में इसे वृष के नाम से जाना जाता है। इसका मालिक है शुक्र देवता। शुक्र देवता के साथ ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो दानव गुरु लिख सकते हैं। तो दो नंबर का मालिक जो है वो शुक्र देवता बना। तीन नंबर राशि में अगर देखेंगे तो तीन नंबर राशि को मिथुन के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में उसको जेमिनी कहते हैं। इसका स्वामी बुध देवता बनते हैं। बुध देवता इस कुंडली में तीन नंबर में, किसी भी कुंडली में जहां भी तीन नंबर लिखा होगा उसका मालिक उस घर का वो बुध देव बन जाएगा। बात आगे करते हैं चार नंबर की। चार नंबर कैंसर राशि कही जाती है, हिंदी में ये कर्क के नाम से जानी जाती है। इसका मालिक बनता है चंद्रमा देवता, यानी चार नंबर कर्क राशि का मालिक बना चंद्रमा देवता। पांच नंबर लियो राशि कहा जाता है, हिंदी में इसको सिंह के नाम से जाना जाता है, सिंह राशि। इसका मालिक बनता है सूर्य देवता, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड की आत्मा कारक माने जाते हैं। तो सूर्य देव पांच नंबर लियो राशि के स्वामी माने जाते हैं। छह नंबर की राशि कन्या के नाम से जानी जाती है, इसको इंग्लिश में विर्गो कहा जाता है। इसका मालिक अगेन फिर दोबारा बुध देवता ही बनते हैं। बुध देवता तीन और छह दोनों राशियों के मालिक हैं। सात नंबर जहां कुंडली में लिखा गया है, इसका मालिक है शुक्र देवता। सात नंबर लिब्रा राशि कही जाती है,
इसको हिंदी में तुला कहा जाता है। इसका फिर मालिक बना शुक्र देवता। जैसे 3 और 6 का मालिक बुध बना, वैसे ही 2 और 7 का मालिक शुक्र देवता बने। 8 नंबर जहां लिखा गया है, 8 नंबर का फिर मालिक बना मंगल देवता। 8 नंबर स्कॉर्पियो राशि होती है, इसको हिंदी में वृश्चिक के नाम से जाना जाता है। इसका और मेष राशि का मालिक एक ही होता है, मंगल देवता। जहां 9 नंबर लिखा है, कुंडली में 9 नंबर कहीं भी पड़ा हो उसका मालिक बृहस्पति देवता बन जाएगा। 9 नंबर की राशि सेजिटेरियस गिनी जाती है। सेजिटेरियस को हिंदी में धनु कहा जाता है और इसके मालिक बनते हैं बृहस्पति देवता। जैसे 2 नंबर और 7 नंबर के मालिक शुक्रदेव बने थे और वो दानव गुरु थे, उसी तरह से 9 नंबर का मालिक बने बृहस्पति देवता और ये देवगुरु हैं, ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं। 10 नंबर का मालिक शनिदेव बने, ये राशि कैप्रिकॉर्न के नाम से जानी जाती है, हिंदी में इसको मकर कहा जाता है। 11 नंबर एक्वेरियस राशि होती है, हिंदी में उसे कुंभ कहा जाता है। इसके मालिक भी शनिदेव बने, मकर और कुंभ दोनों राशियों के मालिक शनि देवता ही बनते हैं। 12 नंबर राशि ये मीन राशि के नाम से जानी जाती है और हिंदी में इसे मीन ही कहते हैं, पाइसिस इंग्लिश में इसको उच्चारण किया जाता है। तो 12 नंबर और 9 नंबर इन दोनों के मालिक बने बृहस्पति देवता, जिनको हम मैंने पहले ही कहा कि देवगुरु कहा जाता है। इनको याद करने का एक आसान सा फार्मूला सोच लीजिए, देख लीजिएगा। 1 और 8 का मालिक मंगल देवता बने, 2 और 7 के मालिक शुक्र देवता बने, 3 और 6 के मालिक बुध देवता बने, 4 नंबर के मालिक चंद्रमा देवता बने, 5 नंबर के मालिक सूर्य देव बने, 9 और 12 के मालिक बने बृहस्पति देवता, 10 और 11 के मालिक बने शनि देव। मित्रों, ये थी राशियां और उनके स्वामी। अब कुछ राशियां ऐसी हैं जिन जिन ग्रहों की 2 राशियां हैं उनमें से एक उसकी साधारण राशि होती है, एक उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। अब एक आम आदमी की समझ में ये नहीं आता कि मूल त्रिकोण राशि क्या होती है। आप इसको एक छोटे से आसान फार्मूले से समझ लीजिए। एक परिवार के 2 बेटे हैं। अब दोनों बेटे अलग अलग डेजिग्नेशंस पे हैं। हमारे इस देश की एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी, उनका दूसरा छोटा भाई जलंधर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर आ रहा है, उसका शायद किसी को नाम भी नहीं पता होगा। परिवार किससे जाना जाता है? परिवार सरदार मनमोहन सिंह जी से जाना जाता है। उसी तरीके से राशियां, एक साधारण राशि होती है, एक मूल त्रिकोण राशि है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि एरीज मानी जाती है, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। मूल त्रिकोण यानी मेन राशि, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहें तो इंपॉर्टेंट राशि भी कह सकते हैं। शुक्र देवता की 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, जिसमें से 7 नंबर जो तुला राशि आई है वो शुक्र देवता की मूल त्रिकोण राशि है। बुध की भी वैसे ही 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। दोनों राशियों में कन्या बुध की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। चंद्रमा की एक ही राशि है, तो चंद्रमा स्वयं ही अपने आप में मूल त्रिकोण राशि माने जाते हैं। सूर्यदेव की भी एक ही राशि है, तो सूर्यदेव की राशि भी अपने आप में स्वयं ही मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। बृहस्पति देवता की 2 राशियां हैं, 12 नंबर और 9 नंबर, जिसमें 9 नंबर जो है वो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। 11 नंबर एक्वेरियस राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। मूल त्रिकोण का जैसे मैंने पहले ही अर्थ बताया, मेन राशि। तो दर्शकों, प्रिय दर्शकों, ये थोड़ा सा समझने वाली बात हो गई कि ये राशियां आपको याद करनी है, ये राशियां आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन से ग्रह की कौन सी राशि मूल त्रिकोण है और कौन सी साधारण राशि है, क्योंकि ग्रहों ने फल अपनी मूल त्रिकोण और साधारण राशि से देना है। जैसे जैसे उसकी मूल त्रिकोण राशि या साधारण राशि एक्टिवेशन में या फंक्शन में आएंगी, उसी तरीके से हमें फल मिलेगा। ये राशियां हर घर का रिप्रेजेंटेटिव होती हैं।
जिस घर में जो नंबर लिखा है उसका सातवें मालिक लिखा है। मान लीजिए किसी की कुंडली में लगन में ही 10 नंबर लिखा हो, यहाँ 10 नंबर लिखा हो, तो इसके मालिक शनिदेव बन गए, क्योंकि 10 नंबर कुंडली में कहीं भी पड़ा होगा उसके मालिक सदैव शनिदेव ही रहने वाले। तो शनिदेव इस राशि के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। 10 नंबर ये याद करना जरूरी नहीं है कि 10 नंबर का मालिक शनिदेव है या कैप्रिकॉन राशि के मालिक शनिदेव है, ये याद करना जरूरी है जहां 10 नंबर आया उसका मालिक शनिदेव बन गया। किस राशि के वो मालिक शनिदेव बने ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से फ्लो में बन जाएगा। 7 नंबर का मालिक, 7 नंबर का मालिक शुक्र बना, ये याद करना जरूरी है। ये याद करना जरूरी नहीं कि 7 नंबर लिब्रा राशि होती है। इसको याद करने के लिए आप चार्ट तैयार कर सकते हैं। 1 से लेकर 8 तक नंबर लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थोड़ी दूरी पे 9, 10, 11, 12 1 और 8 को मैच कर दीजिए। 1 और 8 का मालिक बना मंगल देवता, 2 और 7 का मालिक बना शुक्र देव, 3 और 6 का मालिक बना बुध देवता, 4 का मालिक बना चंद्र और 5 का मालिक बना सूर्य। इधर जो हमने लिखा था 9, 10, 11, 12, 9 और 12 का मालिक बना बृहस्पति देवता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दर्शकों क्योंकि आपको इस चीज़ को याद करने में आसानी रहेगी। आप एक बार इस चार्ट को बना के पढ़ लोगे, दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9 और 12 का मालिक बना बृहस्पति देवता, 10 और 11 का मालिक बने शनिदेव। तो ये याद करना जरूरी है, 9 और 12 ऐसे नोट करोगे पता लगेगा कि बृहस्पति देवता उसके मालिक बने, 10 और 11 में एरो लगाओगे तो उसके मालिक बने शनिदेव। दर्शकों आज जैसा मैंने आपको राशियां और उसके स्वामियों के बारे में बताया, कल का दिन और ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल को मैं सारे ग्रहों की डिटेल बताने वाला हूँ। राशियां और उसके स्वामी हो गए हैं, कल कौन सा ग्रह किस चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सा ग्रह से क्या चीज़ हम देखते हैं, उसी तरीके से हम कल का लेक्चर हमारा पूरे ग्रहों के बारे में डिटेल बताएंगे। कौन सी बीमारी, कौन सा योग, मकान बनना ना बनना, गाड़ी आनी ना आनी, औलाद सुख होना न होना, विवाह कब होना, कैसे होना, अच्छे घर में होना, दाम्पत्य सुख अच्छा रहना, पिता का सहयोग मिलना, ये सारी चीज़ें हम ग्रहों से साथ में देखते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि ग्रह हर चीज़ के मालिक होते हैं और ग्रहों से ही आप इन चीज़ों का डिसीजन लेते हो। ग्रह योग के मुताबिक चलते हैं, कहाँ पर पड़ा है, किस स्थिति में पड़ा है, कौन से ग्रह उसे देख रहे हैं, वो किन ग्रहों को देख रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। आप अक्सर टीवी पे देखते होंगे मेष लग्न वाले ऐसे होते हैं, वृष लग्न वाले ऐसे होते हैं। आप 50 मेष लग्न की कुंडलियाँ उठाओ, कोई ये एक का कैरेक्टर दूसरे से नहीं मिलता होगा। कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी नॉलेज में कमी है। ज़रूरी नहीं है कि मेष लगन वाला आया आप मंगल के कैरेक्टरिस्टिक 10 गिना दो, नहीं, उसके सर पे जितने ग्रहों का प्रभाव अच्छा या बुरा पड़ रहा होगा उस हिसाब से ही डिसीजन होगा। कल के दिन सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये किन किन चीज़ों के कारक हैं, क्या क्या चीज़ें इनसे देखी जाती हैं, हमारी बॉडी में ये क्या क्या चीज़ों को संभालते हैं, कल मैं इसको इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। अपनी कॉपी पेंसिल उसी में नोट करते जाइएगा, ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। कल को किसी से कुछ पूछना पड़ा या डिस्कस करना पड़ा तो आप कर सकते हैं इजीली कि ये चीज़ का कारक है इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम आई। तो आपको खुद को स्वयं पता होना चाहिए कि इस चीज़ की प्रॉब्लम हमें इसलिए आई कि हमारी कुंडली में ये ग्रह गड़बड़ था। तो वो ग्रह हमें दिखाता है कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, ये कुंडली में हमें समझना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। उस हिसाब से इसे सिर्फ एक चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान जिसे कुंडली कुछ ना पता हो अपनी, जो दुनियावी दुख से पीड़ित है कहीं ना कहीं, वो चुपचाप अपना शनिदेव का पाठ कर सकता है। शनिदेव जज हैं, कोई चीज़ समझ में आए ना आए, कुंडली पता ना हो जिसको, सिंपल एक शनि चालीसा ले ले और वो पाठ कर ले, उस हिसाब से वो रिजल्ट दे सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ।
और दुआ करता हूँ कि शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनि।